जी नौशाद साहब। तो फराज नू एक गल समझा दीती है ना, वही 10-13 वाली। ओ तुसी फिक्र ही ना करो सरकार, मैं फराज नू काम दे सारे तौर तरीके समझा भी देसा ते सिखा भी देसा। हाँ ठीक है, हुण तुसी जाओ। आ फराज के चलनी। पंछी कैद च खफा ते जरूर हो सी, पर मैं सा कैद ते कीते होया है, पर मैं इस नू चूरी भी ते खवाना वाला। मंजूर अपनी बीवी सलमा नू कत्ल करना चाहते है। देख पुत्र, तू एक काम कर, तू इस तरह काम कर के मंजूर नू इस काम से रोक, बास करा इस जुल्म में। गुलजी, मैं कोशिश कर चुका हूं, बल्कि मैंने सलमान से मिलने की कोशिश भी की थी, लेकिन उसने मेरे से मिलना मुनासिब नहीं समझा। ज़ुबैर, जदों दा मेरा ते तुसां दा मिलाप होया है, ते मेरे कार वाले परेशान ने। क्यों? क्योंकि वो चाहते ने कि मेरी डोली दे नाल इतना दाज होवे कि मैं तुसां दे खानदान हल्की नजर ना आवां। मैनूं दाज दी नहीं, तेरी जरूरत है लोरी, ते मेरे कार वाले जिहड़ी इज्जत तैनूं दसन ना, वो भी तेरा दाज ही सी। शाह साहब, इस गल का क्या सबूत है कि गुलजार हाँ मैं कतल किया है? लगता है आज शिकारी आप जाल फंस चुका है। अच्छा, चल यार, जदों तुद गुलजार हाँ कतल किया है ना, तो उसकी मैं वीडियो भी बनाई हुई है। अगर जरूरत पई तो मैं तो दस भी छोड़ सा। इतने मोटे मोटे दीदे नी ते नजर कुछ नहीं आंदी। सॉरी जी, मेरा ख्याल नहीं है। ये ख्याल और किधरे सी ते ए आले ते ख्याल इत्थे होंदा ते फिर पता नहीं क्या होंदा। डबल नॉट कर। ओ मनु, इस गल का पता नहीं आया सलमान साहब, ये तो मनु हूँ पता चला कि मंजूर सलमा को घर लेना चाहते। हाँ जी, बस खान बहादुर साहब, मैं तुहानू इवी गल दसने आया क्योंकि तुसी खानदान दे वड़े हो। नहीं, मगर मंजूर ने तो अपनी पसंद के मुताबिक शादी की सलमा ने, तो फिर उन्हें आपस क्यों नहीं लगती? इवी गल तो मैं तुहानू दसने आया ना खान बहादुर साहब, कि तुसी उन्हां से पूछो। मैं उस को जरूर पूछा, मगर मनु सलमा को बड़ा गिला है कि उसने आज तक आके मनु मंजूर के रवैये के बारे कभी नहीं दस्या। तनु तेरा घर वापस मिल जैसी, लेकिन तू मेरे नाल वादा कर कि तू सलमा नु तलाक न देसी। इस वक्त तू अपना मतलब काट मंजूर, बाद इस देख सी के होंदा है। मंजूर? हाँ, के पे सोच? कुछ नहीं, पर ठीक है, एक गल सही है, तू इस तरह कर कि तू सलमान को राजी करके कर वापस मेरे नाम कर देने। मैं इत्थे बैठन सी नहीं आई हूँ, मैनू तेरे हर अड्डे का पता है नौशाद, ते मैनू पता सी कि तू मैनू इत्थे ही मिलेगा। मैं तेनू एक गल पूछना आई है नौशाद, कि तू मेरे नाल मुहब्बत करदा कि नहीं। तुने किसने कहा कि मैं तेरे नाल प्यार नहीं करना? लेकिन सारा प्यार का मतलब यह हरगिज नहीं गा कि मैं तेरे नाल शादी करा।
नौशाद, ये तू क्या कह रहे हैं? तू मेरे नाल ब्याह नहीं करेगा? ते कौन मेरे नाल ब्याह कर सी? याद कर तू क्या कहना से? कि मेरा एक कार हो सी, ते मैं उस कार दा सिंगार हो सा, ते असी दोएं जिंदगी दे ऐसे ऐसे रिश्ते बंदे जैसा कि ठीक है इंसान कदे कदे जज्बात च जे फैसले कर जांदा है जेड़े उसते बस च ना। ते एदा मतलब है कि तू जो कुछ कहंदा सी वो सब झूठ सी? नौशाद, तू मेरी जिंदगी नाल खेड़िया वे, मेरिया ख्वाहिशां ते मेरिया अरजुआं दे नाल खेड़िया, ते मैं तेनू कदे माफ नहीं कर सा। ते एक होर गल सुन लै, मैं उन्हां कुड़ियां चू नहीं जिहड़ियां जुल्म सहण तू बाद घर च बैठ जाण। मैं तेनू कदी माफ नहीं कर सा। ये तेनू बहुत महंगा पैसी। सारा जी, तेरी जिंदगी ते तेरिया खुशियां दी तेरिया गल्लां करने तो पहले मैं कीमत अदा कर चुका हूं। ते तेरे सिर तो मैं लखा रुपए तेरे मामे नू खुआ चुका हूं। जाके पूछ ले ना, जाके पूछ अपने मामे से। शाद, तू मेरी जिंदगी नाल खेड़े, मेरे मामे की जिंदगी नाल नहीं। ते तेनू ए बहुत महंगा पेगा। हेलो हेलो मामे। हाँ मामे, आज मेरी बड़ी बेइज्जती हुई है। तू उस कुड़ी नू पट्टा पा के रख मामे। हाँ, और मैं बड़ा परेशान है इस गल तो। ठीक है, मैं बड़ी टेंशन है, चाह तू मैं फौरन आके मिल। ठीक है, आज और इसी वक्त। अस्सलाम वालेकुम चाचा गुल। वालेकुम अस्सलाम मजदूर। अबे तू कित्थे होने है? आने इतने महीने दे बाद फिर तेरा दीदार होंदा है, सलाम भी करने गायब हो जाने, कित्थे होने? चाचा गुल, असल च मैं कारोबार दे सिलसिले च कुछ इतना मसरूफ हो गया कि कभी लाहौर जाना ते कभी कराची, इसी वजह तो थोड़ी तरफ आ नहीं सका। अच्छा, इसका मतलब है कि अज तक तेरे कोई कारोबार शुरू नहीं किया? चाचे गुल, जिस पार्टी नाल मेरी गल भी होंदी है कारोबार दे सिलसिले च, उन्हां दी शरायत बड़ी सख्त है। वह कहंदे ने कि कारोबार इदारे दे नाते हो सी, फिर यह भी कहंदे ने कि तेरा कोई अमल दखल ना हो सी, ते फिर यह भी कहंदे ने चाचे गुल कि नफे ते नुकसान दा 6 महीने बाद तैनू दसी। ओ ना ना पुत्र, एक कम ना करी। ते एक गल याद रख, सवारी हमेशा उस कोले ते छकनी चाहिदी है कि जिसे वागा तेरे हाथ ही छोड़। जी चाचे गुल, पता है मैं भी ये भी चाहना हूँ। वो इस मौजूद ते असी फिर गल कर सी। मैंने सुना तेरा सलमान नाल कोई झगड़ा है, ते तेने उसनू क्या कि वो कार तेनू दे दे? हाँ चाचे गुल, तुमने ठीक सुना है। पता है मैं चाहना वा कि घर बेच के ते वो पैसा सारा कारोबार ही लावा। बड़े सलमान नहीं मनी ते मैं भी चुप हो गया। ओ देख पुत्र, मियाँ बीवी एक गड्डी दे दो पहिए होंदे नी, ते अगर एक पहिए च भी कोई नुक्स पैदा होए ते फिर गड्डी सही नहीं चलदी। जी, ते तैनू अगर कारोबार वास्ते पैसे दी जरूरत है ते तू मेरे कोल मंग, तेरा मेरे ते भी कोई हक बनदा कि नहीं बनदा? ठीक कहंदे हो तुसी। काश तेरा विआह जमीना होंदा, सलमान ना होंदा, ते अज
सब कुछ दा मालिक तू होंदा। ये भाई ते गलती हो गई है चाचे गुल, अल्लाह बख्शे, मेरे डैडी ते भी यही ख्वाहिश आई। तुम्हें याद है एक बार तेने मेरे फैक्ट्री च कम करने का प्रोग्राम बनाया सी? जी बस मैं भी यह चाहना वा कि तू मेरे फैक्ट्री कार 10% का मालिक बन ते कुछ तेरे पर मुस्तकबिल बन जाए। ठीक है चाची गोल। बेवकूफ लोगों नाल मेरी नहीं लगती। के मतलब? मतलब ये वे कि तू कोई तोरमे शोरमे लैके आई है कि ना, कोई नु कुतराई नु शाद नु कि ना, बस इंजे लड़ झगड़ के आ गई है। लड़ना झगड़ना तो फजूल है, उन्हें तो गोली मारनी चाहिए। के पाई कहनी है मगर जगह दे। अरे बताओ तेरा रोला किस गल तो आया तेरा? किस गल तो? शादी दी गल तो। वो हुन मेरे नाल शादी नहीं करना चाहता। तेरे नाल शादी नहीं करना चाहता इसका मतलब है पलटा खा दिया। मरे पलटा क्यों खाता? किधरे? बस बस दफा कर उस पास। दफा इतने नहीं कर सकनी अस। तू कोई और अच्छी आसामी थी तेरी से 10 गुना ज्यादा हो गई मार्च। उसे सामने लाके फिर उस टुरुस नौशाद मुसाद बाढ़ फकीर कर सकता उस ए पैर की जुती तेरी खोस या किसी और नाल जदा किसी और नाल व्याह ते ओ मेरे नाल ही कर सी पामे कुछ भी हो गए आखिर जासी के थे। तू जो भी करनी वो कर, इधर ध्यान कर, समझिए भुख नाल न मारी सानू। नौशाद इसे नल व्याह क्यों नहीं करता? सोचते फराज कुछ नहीं यार। ओए तेनु तो खुश होना चाहिए मेरे यार, तेरे ते दौलत के दरवाजे खुल गए। नहीं यार मैं जी दौलत नहीं चाहिए जिस विच गुनाह ते जुर्म चमड़े आन। मगर तेनु जितनी दौलत चाहिए है ना वो तू किसी नौकरी या कारोबार 100 साल भी पैदा नहीं कर सकने। ओए मेरे चले भरा तेनु तो खुश होना चाहिए, तू तो शुक्र अदा कर कि तेरिया मुरादा पूरी होंगे। बेशक मेरिया मुरादा ना पूरी होन मगर मैं मुजरम ना बनता यार। यार फराज एक गल अगर तू मैं पहले कहना ना तो मैं तेन नौशाद साहब ना कभी भी ना मिला। मां की पता है यार मैं उसने पिंजरे टका जुलसा। देख यार फराज हूं तो जो होना है वो हूं तू उस दे पिंजरे चो वापस बाहर नहीं निकल सकना। मैं यह तो मैं भी समझ नहीं आया यार उस अपने फरेब नाल मेरे हाथ ते पैर पंचड़े तो फिर अखियां मूठ लै ते सब कुछ भूल के दौलत नु अपना मिशन बना लै। ते अगर तू गुनाह से डर ले तो एक गुनाह दी भी वही सजा वे ते 100 गुनाह दी। ठीक है मैं पैसा जरूर कमासा अपनी भैन ते ताज वास्ते जमीले नाल व्याह करने वास्ते। शाबाश। हाँ सरदारे सुना की हाल है तुम्हारा? ठीक थे हमें ना? शुक्र है जी आप सुनाओ जी तुसी ठीक ठाक हो? ठीक ठाक। और जी लगता है फिर कोई कम साढ़े वाल फस गए तुम्हारा? नौशाद साहब छोटा जा कम साढ़े वाल पै गया। हाँ हाँ
हुक्म करो। ओ निसारा पे कल जेल से छूट के आंदा वे। निसारा? ओ वो जिसने तुहाडे प्यो नु कतल कीता सी। पर उसी मैंने अपने प्यो दे कतल दा बदला लेना वे। लेकिन इस जुर्म दी सजा ते उसनु मिल चुकी है, गल खत्म? गल कितने खत्म हुई है नौशाद साहब? ला मेरा बदला तो उसते रहना है ना। वो ठीक है, तुसी भी ला लो अपना बदला। रकम मैं देसा ते कम सुहाने करना वे। और नहीं नहीं सरदार साहब, मैं ये काम नहीं करना वा, ये काम मेरे बंदे कर दे ते मैं उन्हें सी अपनी कमीशन ले लेना वा। तो वत कितने पैसे बंदोबस्त करा? सरदार साहब तुहाने गुलामी नु मरवाने दे पहले दिते सन, तुहानू पता एक मैगजीन खाली करने दे 20,000 रुपए, ते अजकल उजरती कातला ने भी अपना रेट बढ़ा लेता, इस वास्ते 40,000। ठीक है, तुसी बयाना रख लो। ठीक है, तुहाडा काम हो जासी। मैं हूँ जानो जी। ओके। जुबैर, जुबैर पुत्र। जी डैडी। और बाहर आना पुत्र, अंदर के क्या कर रहे हैं? जी डैडी। ओ यार इतनी देर अंदर अकेला के क्या कर रहे हैं? ओ तनु मने किया कि आज तने फैक्ट्री जाना है। एक दोस्त का फोन आया डैडी, वो पे अटेंड करना है, फैक्ट्री चला जी। हाँ, चलो ठीक है डैडी। ओ मेरे दोस्त ने मेरे से पूछते कि तेरा ब्याह कद है। अल्लाह, अब बच्चे बड़ा सियाना है, और तू मनु मेरी गलती का एहसास पे दीवाना है? बैठ इधर। हाँ पुत्र, तेरा ब्याह कदियां दा हो जाना, मगर अल्लाह बख्शिया कर तेरी माँ जींदी होती था, मगर मैं अकला के करदा। हूँ मैंने सोचा है कि मैं आज ते जाने से पहले तेरा ब्याह करा के ते फर्ज भी पूरा कर देवा। ये तो बड़ी खुशी की गल है डैडी। ओए पुत्र, मेरे आज ते जाने दी या अपने ब्याह दी? साडे आज ते जाने दी। आला आला, मगर देखना पुत्र, मैं आज तक अभी जाना वा, मगर मैं कहना आज तक जाने से पहले ये फर्ज भी अदा कर देवा, अगे मैं बड़ा लेट हो गया। ठीक है डैडी। और मैं इस तरह कर सा कि करीम जान दे कार जासा, तेरे ब्याह की गल पक्की करके आसा, मगर आज तक तेनू छुट्टी है बेशक कार रहे, मगर कल सी तने फैक्ट्री जरूर जाने वाला, ये मैं तेनू दस दे। मैं तुम ले दूंगा डैडी। ना ना पुत्र, मैं आप जाना, तो जाके तो तेरे से खुशखबरी ले आके आना। अल्लाह साढ़े आने का इंतजार कर। बिल्कुल बिल्कुल, तू इंतजार कर, ते मैं वहीं आया। तो पर्स मेरे बैग च किस तरह रह गया? हो सकता है कोई गरीब आदमी होवे ते ये पैसे उसते जरूरत दे होन। दिमाग निक्का जी, छल्ली कमकर, गरीब आदमी को इतने पैसे होंदे? ये नहीं हो सकता, इतने पैसे तो अमीर लोग बैंकों में जमा कराने हैं, जड़े उसे बटुए च पाए हुए हैं, उन तो कोई रईस आदमी लगता है। वाते के दुंबा खाने की खातर दाल नु छोड़ना पैंदा है। दुंबा दाल के पे कहंदे हो? नहीं समझे ना, आनो समझा नहीं। मनु ये बता कि इस नड़े दा कोई अत्ता पत्ता तेरे को है कि ना? हाँ मामा जी, ए कार्ड है, इसते उते होता कार्ड दा पता है। बस तो बात तो ठीक। इसका मतलब है कि नौशाद तक कम लग गया है। के मतलब? मतलब है कि तू ये पैसे ते बटवा
उस नड़े नु वापस दे दे। पैसे ते बटुआ वापस दे देवा ए तुसी कह रहे हो? हाँ, दिल तो नहीं चाहता, मजबूरी है। क्यों के पैसे ते बटुआ तू वापस दे से तो ताई तो उदा एतमाद तेरे ते कायम हो सी। ते एक दफा एतमाद हो जावे तो वत कुतरा कर सट उस कुतरा, मार भी आ जासी ते तू नौशाद सी अपना बदला भी ले लैसे। मामे दियां गल्लां समझे तो पुआंटी ना खावे। की गल है करीम जान साहब, तुसी तैयार देंगे हो के? नहीं सुनान साहब, तैयारी में थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है। मैं तो सोच के आया कि ब्याह इसी महीने हो जाए तो बेहतर है, मगर खैर तुसी मनु ये बताओ कि कदों तक तैयार हो जाए? तुसी चाह के लो। अच्छा, ब्याह इसी महीने जो सी सलमान साहब। करीम जान साहब और तो बरखुरदार की भी कहत है। बस तुसी तारीख दसो। मैं तो सोच के आया कि इस महीने की 27 तारीख। अच्छी। अच्छा करीम जान साहब, मैं इजाजत, मैं जाके घर भी जरा दसा ना। ठीक, बड़ी खुशी की गल है। अच्छा, मुबारक हो तुम्हारा। मुबारक हो। अच्छा फराज बेटे, बहुत मेहरबानी। अच्छा अंकल, हाफिज़। ये तो सलमान साहब किस तरह तारीफ दे छोड़ी है, इतना सारा कुछ ये किस तरह हो सके? अब जी तुझे फिक्र ना करो, बंदोबस्त हो जाए। तुझे दिमाग खराब हो गया तेरा? क्यों बंदोबस्त हो सी? तो पता नौरी दे बैठे कम से कम 5-6 लाख रुपए चाहिए, कितना सी? जब मैं तारीख चाह देती है तो पैसे का बंदोबस्त भी कर देता हूं, तू परेशान ना हो। ਫਕੀਰੇ, ਰਾਂਝਾ ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਚਰਾਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੱਖੀ ਚਲਦੀ। ਕਿਉਂ, ਤੂੰ ਹੀਰ ਨੂੰ ਵੇਖੇ? ਓਏ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੇ ਦੇਖੇ ਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਅੱਡੀ ਵਾਲੇ ਸੈਂਡਲ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਰਸ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਸਾੜੀ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਹਾਏ ਹੋ ਮੰਨੂ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ, हो मनू तेरे जिहा होर कोई लभना ना, बैठी रवां तेरे कोल जी रजे दा ना। ते वा तो सू पक्खी चलदी आई। हैं, ये साड़ी? चलो है, ओए कदी कदी पतलू नहीं पांदी आई? पतलू नहीं पांदी? क्यों ये वलैत जमी आई? ओए मने अपनी अखियां नाल उसनू उसदी मां दी गोदी विच वेखाया। यार फकीरे, खुदा नु मर, लोग ते कहंदे हीर पंजाब विच जमी है। ओ यार जमी होसी ना, पर एक हीर वो लैत भी जमी जेड़ी बिल्कुल मेरी बिल्लो है। जा कम चोर, मनु गले ला के ते खुद पे दमा करना पे। ओए चला मैं, ओए मैं कम चोर नहीं गवा, मने अपने हिस्से दा काम कर लेते ते हुन दमा पे कर लो। नौकरगिरी केड़ा आराम दी गल आ गई है? ओए गल सुन, लेबर दे आलमी कानून के मुताबिक वलैत
हर मजदूर ते हर लेबर सिर्फ 8 घंटे काम करता है। ओ वलैत ते ए पाकिस्तान है ते पाकिस्तान च मालिक नौकर नु साह नहीं लेने देंदे ने। साह नहीं लेने देंदे बड़े मैं तो साह लैसा ते डच के लैसा। तू साह लेता चल गेट आउट तेरी छुट्टी। आए चले ओए मैं भी बस हूँ छुट्टी करने वाला वा क्योंकि मनु तैयार होरी मिलने वाली है। ओ जुबैर जुबैर जी डैडी बाहर आ जल्दी। जी डैडी ओ तने मनु केड़े लोका दे घर पे छोड़ा। क्यों डैडी खैर दे ओ खैर ये अच्छी खैर है ये तो कोई जरूरी तो नहीं गा कि कोई बड़ा अफसर हो सी ते रिटायर हो जसी तो बड़ा खानदानी हो सी। मगर ओ डैडी खानदानी लोग ओ किचे खानदानी उन्होंने मेरे ने सीधे मुंह गल नहीं की। मैं उन्हीं फोन करके नौरीन को पता करना। इधर आ गल सुन कोई जरूरत नहीं की नौरीन नु फोन करने दी। डैडी एक मिनट मनु नौरीन नाल गल करने दो। नहीं कोई जरूरत नहीं की इधर आ। ओ इस वास्ते कि ओदे प्यो ने हां कर दी है तेरे ब्याह पे। ओए पुत्र मैं हुणी जाके खुशखबरी अपने दोस्तों नु सुनाना दे। सुना दे अगले महीने दी 27 तारीख नु तेरा ब्याह वे। ओ पुत्र जुबैर जरा जल्दी आ जा मियाला। औलाद की खुशी मां प्यो से कितनी बड़ी खुशी होती है। तो मैं कहना वा कि अज सुबह भी मां आती तो इस खुशी को देख के कितनी खुश होती कितनी खुश होती। रास की हाल है क्यों परेशान कर कुछ नहीं आप जरा मोबाइल तो दो अपना। क्यों तेरा अपना मोबाइल कितने दो ना जरूरी काम है। हेलो जी मेरा नाम फराज है। अच्छा ते तुम्हारा मोबाइल है। हाँ तुसी कौन? मैं वही कैची थी जुबान वाली। अच्छा सॉरी बस ए इको ही लफ्ज ते नाना है सॉरी। चल खैर दस तू इस वक्त किथे है? मैं अपने घर हां। मैं फिर तेरे घर आ रही हूं। मेरे घर? पर मेरे घर किस लिए? ओ तेरियां कुछ अमानत ने मेरे कोल ओ लौटाने वास्ते। लेकिन तेरे कोल तो मेरे घर ने एड्रेस कोई नहीं। तेरे पर से एक शनाख्ती कार्ड सी ओदे ते तेरा घर दा नंबर लिखया सी। ठीक है तू इस तरह कर तू मेरे घर ना आ मैं टाइम काट के आपे तू दा मिलकिन सा। अस्सलामुअलैकुम भाभी मैं मंजूर से पूछ के तुम्हें मिलने वास्ते आया हूँ। बैठो तुसी मंजूर से पूछ के आए हो ना? हाँ हाँ मेरा थोड़ा जरूरी काम आया। देखो तुसी जिस काम वास्ते आए हो हमीदा भाभी आके दस गई है मैनू। ओहो उसी अलावा भी कुछ गल आया मन
منظور کتھے وے منظور اگلی پیشی واسطے وکیل نو ملنے گیا دیکھو تساں دا کلیا ملنا میرے نال مناسب نہیں گا میں بہت ڈرنی ہاں بھابی میں تھوڑا ہمدرد ہاں تھوڑا دشمن نہیں گا ہاں تسی منظور نو کی کہہ کے آئے ہو بھابی اس نو میں کہہ کے آیا ہوں کہ میں بھابی سی تینوں گھر واپس لے کے دینا ہوں تسی وہی چاہتے ہو کہ میں اس نو یہ کار واپس کر دیواں ہاں بھابی اس کار واپس کرنے چ تھوڑا بھلا وے میں اپنی زندگی تو تنگ ہاں اس سڑی گلی زندگی مرنی چاہی دی میں مرنا چاہنی ہاں ہو بھابی زندگی زندہ رہنے دا نام ہے تسی اے کار اپنے سر دا صدقہ سمجھ کے منظور نو دے دیو میں سلمان صاحب سے پوچھ سا ہاں تسی پوچھ لو میں آ بھی انہوں نے مل لیا سا ٹھیک ہے ایلو جی فراز صاحب یہ تہاڈا پرس تے موبائل تے اپنے پیسے گن لے بس ٹھیک ہے سر فراز صاحب تہاڈے اتنے پیسے میرے سامان چ رہ گئے سن تے تساں نے میں تلاش کرنے دی کوشش بھی نہیں کیتی میں تساں کتے تلاش کراں تساں نے کار نہ پتہ بھی میرے کول نہیں ہے تے پھر اے پرس تے موبائل غلط فہمی نال تساں کول چلے گئے لگتا ہے فراز صاحب تسی کسی امیر فیملی نال تعلق رکھنے ہو اسی واسطے تساں نے اس دا افسوس نہیں ہے انہ پیسے دا افسوس تو میں بہت زیادہ ہے کیونکہ انہ پیسے دی خاطر میں خون میرا مطلب ہے کہ اے میرے خون پسینے دی کمائی ہے فراز صاحب تواڈے موبائل چ کسی نوشاد نامی بندے دا نمبر ہے اے کون ہے تے کیو جا بندہ ہے کی مطلب کچھ نہیں میں تے ایویں پوچھ رہی سی پر اس موبائل دے وچ تاں اور بھی کافی لوکاں دے نمبر ہیں تو صرف نوشاد دے بارے کیوں پوچھا اس واسطے فراز صاحب کے ایک نوشاد نامی بندہ میری زندگی چ بھی آیا سی بڑا ہی ظالم تے کمینہ انسان سی اس نے میرے نال شادی دے جھوٹے وعدے کیتے تے میری زندگی برباد کر دی تسی اے ساری گلاں میرے کول کیوں پوچھنے پئے اس واسطے فراز صاحب کے تواڈے موبائل چ نوشاد دا نمبر دیکھ کے میں پورا یقین ہے کہ اسی دوویں ہی کی کشتی تے سوار ہاں اے تسی کس یقین نال کہہ سکتے ہیں اس لیے فراز صاحب کے جس نوشاد دا نمبر تواڈے موبائل چ موجود ہے اس نو میں بہت چنگے طریقے نال جاننی ہاں دراصل ہے موبائل میں سیکنڈ ہینڈ خریدا ہے تے اس تو پہلے اس نے وچ نمبر موجود ہے ماں نہیں پتہ اے کون ہے فراز صاحب تواڈے منہ نال جو چنگا نہیں لگدا چھوڑو اے کیڑی گلاں کھول دتیاں نے تسی اے دسو کہ تسی کون ہو تے اپنا تعارف کرواؤ میرا نام سارا وے تے اپنی زندگی دے ساریاں گلاں تے میں تانوں ہن دس ہی دتیاں نے فراز تو جاندا ہے کہ نوشاد گلزار دی بیوی سکینہ نال محبت کرتا ہے تے اس واسطے اس نے گلزار نو اپنے کارندیاں دے ہتھوں مروا دتا ہے جی اے تاں بہت برا ہے فراز صاحب اگر تسی میں اپنی زندگی دی حقیقت دس دیو تے ہو سکدا سی دوویں مل کے نوشاد کولو اپنا بدلے لے لیاں اس واسطے میں اپنا نمبر تواڈے موبائل چ سیو کر دیتا ہے تسی سوچ کے میں فون کر دینا فراز ساڈی دوستی تیرے تے بختاور ہو گئی ہے
जदों का तू साडा दोस्त बनया वे दोलो तेरा इस्तेमाल कर लेंगे। फराज की जरूरत थी पैसे ही है तो शास है। क्यों तेरी जरूरत पैसा नहीं की? मैं तो तुहाडे सी इतना पैसा कमा चुका हूं शास साहब कि अपने ग्राम विच अद्धा ग्राम मुल ले लेता मुझे। थोड़े दिनों तक तू पूरे ग्राएं दा मालिक बन जासे। फिलहाल तो तुसी मेरे दोस्त फराज दी फिक्र करो, इस वक्त इन्हें पैसे की सख्त जरूरत। हाँ हाँ मैं इसते आने तो पहले ही इस वास्ते पैसे का बंदोबस्त कर छोड़े। ताड़ी बड़ी बड़ी मेहरबानी। हाँ फराज तू जाते अपना काम करके आ। काम केड़ा काम? वो ही जड़ियां तस्वीरें में तो अंदर दसियां ते एला पिस्टर। कौन है ये ना पूछ के ये कौन बल्कि अपनियां जरूरतां वल ध्यान दे फराज। ये बंदा अज जेल सी रिहा हो के आ रहा है ते तुआने इसनूं जिंदगी तो रिहा कर देना। जेल तो रिहा होके आंदा सी ते तने उसको पुंडा में देख अगर तने जमीन ना लिया कर ले ते तने ये बंदा मारना सी। तेरे ख्वाहिश अत्ता दी पूरी होसुन कि तू मेरी बताए रस्ते ते चल सी। अरे को देख ते देख ऊपर ले हाथ लग रही है निशारा भी पिस्तौल कट ते फूल इसको ये उधर लाना जरा भी ये निशारा भी फूल उस ना कहो फूल उस